ममता बनर्जी को सरकार की कुर्सी से उखाड़ फेंकने की हुंकार, सर सफल हो पाएगी बीजेपी? बिल्कुल, मैं जो देख रहा हूं वातावरण, मैं बंगाल कई बार आया हूं और मैं तब भी आया था जब मुझ पर अटैक हुआ था, उसके बाद भी आया था, 10 दिसंबर को भी आया था, 10 जनवरी को भी आया था। 10 दिसंबर से 10 जनवरी में जो मैंने फर्क देखा और आज जो मैं फर्क देख रहा हूं, स्पष्ट बंगाल की जनता ने मन बना लिया है, उन्होंने ममता जी को भेजने का तय कर लिया है और कमल को खिलाने का उन्होंने निश्चय कर लिया है। विकास चाहती है बंगाल की जनता, ये उत्पीड़न से आजादी चाहती है, भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहती है और मुख्य धारा में शामिल होकर के जो एस्पिरेशंस वो अन्य स्टेट में मोदी जी के नेतृत्व में देख रही है वो बंगाल में भी उतारना चाहती है। गरीब जनता को जिस तरीके से उन्होंने गरीब रखा है और उनको हमेशा प्रताड़ित रखा है, उससे आज बंगाल अपने आप को निजात पाना चाहता है। लेकिन परिवर्तन रथ यात्रा को इजाजत नहीं मिली थी, उसके बावजूद बीजेपी अपनी रथ यात्रा अब निकाल रही है, ममता बनर्जी की सरकार की ओर से इजाजत क्यों नहीं दी गई, क्या नजर आता है? देखिए, वो प्रजातंत्र का गला घोटना उनका स्वभाव है, उनका कल्चर है, उनका स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है, इसलिए विचार की लड़ाई लड़ने की न उनमें ताकत है, न ही सामर्थ है, न ही इच्छा शक्ति है और हम विचार की लड़ाई से उनको परास्त कर चुके हैं। बंगाल की जनता साथ जुड़ चुकी है, उन्होंने कभी परमिशन नहीं दी, किसी भी रैली की परमिशन नहीं दी है, वो तो कभी चाहते नहीं है कि यहाँ पर टीएमसी छोड़ करके या उनकी आवाज सुन करके कोई और किसी और की आवाज आ सके। अगर ऐसा होता नहीं तो उन्होंने मेरे ऊपर अटैक क्यों किया था? अगर ऐसा होता नहीं तो उन्होंने मेरे नाम के साथ विश्लेषण लगा करके, विशेषण लगा करके बंगाल की संस्कृति को क्यों निरादर किया था? वो इस टेम्परामेंट के नहीं है। उनकी ओर से कहा जा रहा है कि यहाँ पर माहौल बिगाड़ना चाहती है बीजेपी अपनी इस रथ यात्रा के जरिए, और जय श्री राम पर आप लोग लगातार ममता बनर्जी को घेर रहे हैं। इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जब तानाशाही और तानाशाही मिजाज को जब जब चैलेंज किया गया है तो उन्होंने हमेशा इसी तरीके के आर्ग्यूमेंट दिए हैं, गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। ब्रिटिशर्स भी यही कहते थे, उसके बाद भी कई सरकारें आईं जिन्होंने तानाशाही को आगे बढ़ाया है, उनमें से ममता जी भी एक सरकार हैं, मिसेस गांधी ने भी एक बार इमरजेंसी में यही बातें कही थी, सब धाराशाही हो गए और यह भी इतिहास के पन्नों में इसी तरीके से दर्ज हो जाएगा। सर, लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव पीएम चुनने का था, अभी सीएम चुनने का है, तो लोग ये भी पूछ रहे हैं मुख्यमंत्री कौन होगा आपका? ये हम लोग हमेशा तय करते हैं, ये हमारी स्ट्रेटेजी का विषय होता है। कई प्रदेशों में हम नेता डिक्लेयर करते हैं, कई प्रदेशों में हम नहीं करते हैं, लेकिन हमेशा समर्थन भारतीय जनता पार्टी के कमल को मिलता है। रथ यात्रा जारी रहेगी। हमारे कार्यकर्ताओं का हौसला आप देखिए, बुलंदी देखिए, वो सब लोग जाएंगे। और मैं फिर बताना चाहता हूं, मैं जमीन से आया हुआ आदमी हूं, जब सही विचार लेकर के लोग आगे बढ़ते हैं तो सब रास्ते खुल जाते हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब को आप सुन रहे थे। उनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में है और ममता बनर्जी को उनके सत्ता से उखाड़ देने के लिए भी पूरी तरह से प्रतिबद्ध। लेकिन नड्डा जी के दावों में कितना है दम, इसके लिए करना होगा पूरा इंतजार। लेकिन भारी भीड़ इस वक्त बीजेपी की इस रथ यात्रा रैली में उमड़ी हुई थी, जिसके जरिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश। कैमरा पर्सन तापस बैरी के साथ चित्रा त्रिपाठी, नवदीप, पश्चिम बंगाल आज तक।